नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स एंड विद 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी, आपको नमस्कार करता हूँ। और आज चर्चा करेंगे लियो स्टार सीरीज में हम मुहूर्त मास्टर कैसे अपडेट किया जाता है, ये क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, मुहूर्त का भी कोई जो भी बनाना होता है, इस लियो स्टार सीरीज में एक एडवांटेज है कि मुहूर्त, जो भी मुहूर्त लेना है, निकालना है, शादी का मुहूर्त निकालना है या गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालना है या गाड़ी खरीदने का मुहूर्त निकालना है, तो वो जो मुहूर्त निकालने की विधि है वो सारी डेटाबेस ओरिएंटेड है। उसके जो पैरामीटर्स हैं कि कौन से नक्षत्र होने चाहिए, कौन सी राशि होनी चाहिए, कौन से चरण, कौन से तिथि होनी चाहिए, कौन से वार होने चाहिए या योग होने चाहिए, ये सब जो है डेटाबेस में हमने डाले हुए हैं। और डेटाबेस से इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट करने के बाद फिर जिस प्रकार से जो हम अपडेट करेंगे उसके अनुसार ही वो मुहूर्त निकल कर आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं अपडेट और इसको अपडेट करने का क्या क्रम है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लियो स्टार सॉफ्टवेयर को। लियो स्टार सीरीज का सॉफ्टवेयर ये है हमारे सामने। और इसमें मास्टर्स मास्टर्स में जाकर हम मास्टर्स में देखेंगे, ये यहाँ पर है मुहूर्त मास्टर। मुहूर्त मास्टर को खोलेंगे। मुहूर्त मास्टर में जैसे दिखाई दे रहा है, ये मैरिज है, मैरिज का मुहूर्त है और उसमें एंगेजमेंट का मुहूर्त है, ग्रुप मैरिज है। इसमें हमारे पास कई ग्रुप हैं, जैसे मैरिज, लव एंड रोमांस, हाउस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, बिल्डिंग, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, सर्विस, मनी मैटर्स, इलेक्शन, स्पेकुलेशन, मेडिकल, न्यू बॉर्न चाइल्ड, एजुकेशन, और इसके अलावा भी हैं व्हीकल, जर्नी, कोर्ट, टेम्पल, मिसलेनियस। ये हमारे पास मुहूर्त निकालने के कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स हैं। इनके अंदर हम मुहूर्त निकालते हैं। जैसे मैरिज के अंदर मुहूर्त है हमारे पास, मैरिज एंगेजमेंट का मुहूर्त है, मैरिज सेरेमनी का मुहूर्त है, एंट्री ऑफ ब्राइड के लिए मुहूर्त है, एंड सेकेंड टाइम एंट्री ऑफ ब्राइड है, द्विरागमन, फर्स्ट टाइम कुकिंग बाय दी ब्राइड, गो टू हनीमून उसके लिए। तो ये हमारे इतने मुहूर्त हैं। इनमें आप कोई मुहूर्त ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कोई आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, या कोई डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम मान लीजिए एंगेजमेंट का मुहूर्त है, हम अपना एक नया एंगेजमेंट का मुहूर्त बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, कैसे। पहले तो ये देख लीजिए कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं एंगेजमेंट इसके मुहूर्त में। जैसे एंगेजमेंट का मुहूर्त है, इसके अंदर ये नक्षत्र लिखा हुआ है। नक्षत्र में इसमें इसका मतलब ये है, ग्रीन का मतलब है कि हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये नक्षत्र सेलेक्टेड है। रेड का मतलब है रिजेक्टेड है, और ये ऑरेंज का मतलब है फेयर है। फेयर का मतलब है कि इसको हम इसकी वजह से डेट रिजेक्ट तो नहीं करते, लेकिन उसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम मिलते हैं उस तिथि को, जिसमें भी जैसे कृतिका नक्षत्र होगा उसको मार्क्स कम मिलेंगे लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा। जिसमें भरणी नक्षत्र होगा, भरणी नक्षत्र को रिजेक्ट मानेंगे कि एंगेजमेंट उस दिन नहीं करेंगे जिस दिन भरणी नक्षत्र होगा, और अश्विनी के दिन पूर्ण से शुद्ध मानेंगे। तो इस तरह से फिर आगे चलते हैं तिथि। तिथि में भी जैसे ये प्रतिपदा, षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, ये शुक्ल पक्ष की हो गई, और ये पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये कृष्ण पक्ष हो गया। कृष्ण पक्ष की ये तिथियां जो है 23, 27, 21, ये जो है फेयर है, जबकि 4, 9, 14 और 4, 9, 14 दोबारा कृष्ण पक्ष की और अमावस्या, ये हमारी तिथियां मना है, ये रेड है, रेड का मतलब रिजेक्ट है। फिर इसके बाद करण है, करण में ये करण सही है, विष्टिकरण मना है और बाकी करण जो है उनके पॉइंट्स कम है। योग
योग में देखिए यहाँ पर फर्क है कि ये ऑरेंज है, बाकी जैसे हम अगर नक्षत्र देखें तो ये रेड है। रेड बटन का मतलब ये है कि ये जो है नक्षत्र की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको नक्षत्र मतलब कि ऐसा है कि जो यहाँ पे इसके अंदर रेड है वो रिजेक्ट ही कर देगा, उसकी वजह से एक नक्षत्र मतलब योग बनेगा ही नहीं, मैरिज एंगेजमेंट का योग बनेगा ही नहीं। और लेकिन अगर योग में जैसे कि ये ऑरेंज है, ऑरेंज में मतलब ये है कि यहाँ पर रेड होते हुए भी ये योग नंबर तो कम मिलेंगे उसको, लेकिन इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये जो जितने भी ऑरेंज में ये योग आएंगे तो ऑरेंज से मतलब यह है कि ऑरेंज के अंदर इसकी वजह से कोई भी डेट रिजेक्ट नहीं होगी, पूर्णतया रिजेक्ट नहीं होगी, उसको नंबर कम मिलेंगे। रेड है तो ग्रीन है तो पूरे नंबर मिलेंगे, तो लेकिन रिजेक्ट तिथि नहीं होगी। फिर वार वार में जैसे ट्यूसडे हमारा रिजेक्टेड है, ये रेड है और ये भी रेड है, तो यानी कि ये ट्यूसडे पर कोई होगा तो उस दिन एंगेजमेंट अलाउड नहीं है, और संडे को शुभ नहीं है, सैटरडे को शुभ नहीं है, बाकी मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये 4 दिन जो है शुभ माने जाएंगे। जो ग्रीन है वो शुभ है। फिर इसके बाद वार के बाद सन इन साइन, सन इन साइन ये ऑरेंज है कि इसमें मतलब यह है कि लीब्रा यानी तुला में जब सूर्य होगा या धनु में सूर्य होगा या मीन में सूर्य होगा तो उसको नंबर कम मिलेंगे लेकिन रिजेक्ट नहीं है। कोई भी साइन में सूर्य होगा तो उसको मुहूर्त के लिए कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 12 महीने कंसिडर किए जाएंगे। सायन सन में सारे ब्लैक हैं, ब्लैक का मतलब ये है कि ब्लैक का मतलब है डोंट कंसिडर, डोंट कंसिडर यानी कि इसको हम ये इसको हमने अकाउंट फॉर ही नहीं किया हुआ है। सायन सन को हम चाहे वो कहीं पर भी हो या ना हो उसका हमारे इस कैलकुलेशन पे कोई अंतर नहीं आएगा। मून इन साइन ये भी जो है मून कहीं पे भी किसी भी राशि में हो उसका कोई अंतर नहीं आएगा। महापक्ष इसका भी ये भी काला है इसका भी कोई अंतर नहीं आएगा। इनऑस्पिशियस तिथि, इनऑस्पिशियस तिथि मतलब यह है कि ये जो होलाष्टक है जैसे ये इसमें हम बिल्कुल मुहूर्त नहीं करेंगे, ये रेड है तो ये मुहूर्त नहीं करा जाएगा। पितृपक्ष जो है उसमें मुहूर्त नहीं किया जाएगा, देवशयन में मुहूर्त किया जाएगा लेकिन उसको नंबर कम मिलेंगे, अधिक माह में मुहूर्त नहीं किया जाएगा, 6 मास में भी मुहूर्त नहीं किया जाएगा। बाकी और तिथियों में ब्लैक है कि हमने और अगर कोई और तिथि भी होती जिनको हम यहाँ पे लिख देते कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या ये वाली तिथि वो वाली तिथि जो भी तिथि डालते उनको भी यहाँ पर हम फिर रिजेक्ट कर सकते थे या सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे कि हम मान लो चैत्र इसको हम यहाँ पे ये ऑरेंज कर देते हैं या ग्रीन रेड कर देते हैं, तो रेड कर देंगे तो वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भी शादी नहीं होंगी, लेकिन हम इसको अभी क्रॉस इसे कुछ नहीं करते, ये जैसा है तो जो भी पड़ा है उसमें उससे वो पड़ा रहेगा। ऑस्पिशियस स्थिति, ऑस्पिशियस जैसे ये ब्लू है, ये ब्लू ब्लू का मतलब है ये एक्सेलेंट, ये मतलब कि अगर मुहूर्त नहीं बन रहा है तो भी मुहूर्त बनाया जाएगा तो भी उस दिन वो है शुभ मानी जाएगी तिथि, यानी कि ऑस्पिशियस तिथि में वसंत पंचमी के दिन मैरिज एंगेजमेंट का मुहूर्त नहीं भी बन रहा है तो भी हम उस वसंत पंचमी को शादी का एंगेजमेंट कर सकते हैं, फुलेरा द्वज को एंगेजमेंट कर सकते हैं, अक्षय तृतीया को, ये मतलब अनबूझ साए हैं जिसमें कि ये भड़ली नवमी अक्षय तृतीया ये सब भड़ली ये सब अनबूझ साए हैं। देवशयन एकादशी इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसमें साया होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन 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 देव उठनी एकादशी जो है उस दिन ये अनबूझ साया है। और ये चैत्रादि कृतिकादि का बटन लगाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम चैत्रादि माह को कंसिडर कर रहे हैं, इसके अंदर पूरी कैलकुलेशन के अंदर हमने चैत्रादि कैलकुलेशन की हुई है। अगर आप कार्तिक आदि करेंगे तो कार्तिक आदि के अनुसार भी आप सेट कर सकते हैं इसको। इक्लिप्स, इक्लिप्स में जो है ये रेड है
रेड का मतलब ये इक्लिप्स को बहुत इंपॉर्टेंट महत्वता दी गई है। ग्रैंड शूल, एक तो ग्रैंड का शूल कितने कितने दिन लेना है हमने। ग्रैंड शूल मतलब कि यह है कि कितने दिन उससे पहले और कितने दिन बाद तक हमने, जिस दिन मुहूर्त होगा, जिस दिन ग्रहण पड़ेगा, एक तो वो दिन नहीं लिया जाता और फिर कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद भी नहीं लिए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमने इन इंडिया होना चाहिए ग्रहण, और वन डे मतलब उसी दिन जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उस दिन को हम इसे इग्नोर करेंगे। सिर्फ अगर हम एक दिन प्लस माइनस और लेते तो 3 दिन हो जाते, 3 दिन हो जाते तब हम इसको क्लिक करते तो 3 दिन मानते। ये एक दिन पहले और 3 दिन बाद में तो 5 दिन हो जाते हैं, तो वो होता। और ये 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में 7 दिन हो जाते हैं, वो भी मान सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे क्लिक नहीं किया गया ऑप्शन। नॉट इन इंडिया तो 0 डेज, अगर भारत में ग्रहण नहीं है तो उसको 0 डेज लिया जाएगा। मतलब कि अगर भारत में ग्रहण नहीं है तो उसको हम इक्लिप्स मानेंगे ही नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इन इंडिया, अगर इंडिया में है तो 1 दिन उस दिन को छोड़ देंगे। प्लैनेट कंबस्ट, कंबस्ट प्लैनेट कंबस्ट का मतलब यह है कि ये रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जुपिटर कंबस्ट है अगर, तो ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब यह है कि हम उसको ले सकते हैं, नंबर कम मिलेंगे। और सेम डे जिस दिन कंबस्ट हो रहा है उस दिन से लेके जहाँ जिस दिन तक कंबस्ट है उस दिन तक लिया जाएगा, ना आगे ना पीछे। तो ये 1 डे बिफोर या 2 डेज बिफोर या 3 डेज बिफोर या 1 डे आफ्टर 2 डेज आफ्टर, ये ऐसा कुछ नहीं है। सेम ऐसा ले सकते थे हम कि सेम डे ले लें यहाँ पर कंबस्ट, जिस दिन से हुआ, और 1 दिन आगे तक ले सकते हैं या 2 दिन आगे तक ले सकते हैं। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये हमने नहीं सेलेक्ट किया हुआ और ऑरेंज रखा हुआ है, यानी कि जुपिटर कंबस्शन से पूरा अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे मुहूर्त को। सिमिलरली वीनस कंबस्शन को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। स्पेशल चेक में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम शादी के मुहूर्त में तो चेक करते हैं, लेकिन एंगेजमेंट के मुहूर्त में चेक नहीं करते हैं। तो जैसे संक्रांति है, माह कब एंड हो रहा है, एंड गोल एंट्री कब हो रही है, अधिक तिथि अधिक है कि नहीं है, तिथि क्षय है कि नहीं है, पक्ष 13 दिन का है तो उस पक्ष को छोड़ देते हैं, नक्षत्र एंडिंग का नक्षत्र गंडांत जो है जिसे कहते हैं, तिथि एंडिंग तिथि गंडांत जिसे कहते हैं, फिर ये योग है, पात योग, युति योग, सेवन शला का वेद है, रोग बाण, क्रांति साम्य योग, परिक योग, विषकुंभ आदि योग, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, जुपिटर इन लियो, पाद वेद, नृत्यवान, ये सारे स्पेशल चेक्स हैं। जिसको लेना है उसको हम क्लिक कर सकते हैं, जिसको इग्नोर करना है कैंसिल करना है जगह। लेकिन यहाँ पे ये काला हटाना चाहिए तभी ये कंसिडर होगा, अगर ब्लैक होगा तो ये कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। इसको हमें हटाना होगा, इसको हटा रेड करना होगा। रेड करेंगे तो ये माह एंड पे, वो जो भी माह एंड पे आएगा उसको तिथि को इग्नोर कर दिया जाएगा। विवाह स्पेशल, विवाह में ये मतलब पंचशला का वेद और मृत्यु बाण लिया गया है, लग्न शुद्धि भी लत्तादि दोष वगैरह भी ये भी देखे जाते हैं। तो ये शादी के मुहूर्त में देखते हैं, लेकिन एंगेजमेंट के मुहूर्त में पंचशला का वेद और मृत्यु बाण केवल दो ही चीजें देखी जाती है, तो ये ठीक कर सकते हैं। वास्तु वास्तु का नहीं है, इसलिए वो कलश चक्र, वृष चक्र, ये जो भूषण, अग्नि बाण, ये जो है ग्रह प्रवेश के मुहूर्त में देखा जाता है। यात्रा का स्पेशल, यात्रा स्पेशल जो है दिशा शूल, राहु वास, नक्षत्र शूल, योगिनी वास, चंद्र दिशा, चोर बाण, ये सब यात्रा के स्पेशल कंडीशंस हैं यात्रा करने की, उनमें देखा जाता है यात्रा के मूड में। तारा बल जो है, एक अगर लड़के लड़की का तारा बल होगा तो वो शुद्ध, अच्छा, शुभ माना जाएगा। तो जन्म संपत्ति और क्षेम तारा शुभ माने गए हैं, वध तारा जो है खराब माना गया है।
लेकिन ये तारा बल जो है ऑरेंज होने के कारण ये रिजेक्ट नहीं करेगा मुहूर्त को, किसी को। चंद्रबल रेड है तो यहाँ पर हम अपने चंद्रबल रेड का मतलब यह कि 4 8 12, 4 और 8 में अगर चंद्रमा होगा तो उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। चौथे 8वें 12वें में चंद्रमा होगा या 2 5 9 में होगा उसको हम पॉइंट कम देंगे। सूर्य बल जो है ऑरेंज है, इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। चौथे 8वें 12वें अगर चंद्र सूर्य आ जाता है तो नंबर कम मिलेंगे लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा। लग्न लग्न जो है ऑरेंज है, ये एरीज कैंसर लीब्रा कैप्रिकॉर्न में जो नंबर कम मिलेंगे, और टॉरस स्थिर लग्न जो है उनको हम शुभ मानेंगे। दूसरे भाव लग्न जो है उनको भी थोड़े नंबर कम मिलेंगे। मून इन हाउस, ये चौथे 8वें में अगर चंद्रमा होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। प्लैनेट इन हाउस, ये कोई भी ग्रह किसी के ग्रह में बैठा हो, घर में बैठा हो, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। ऑस्पिशियस सर्वार सिद्धि योग अमृत पुष्कर योग आदि जो है इसका कंसिडरेशन शादी के मुहूर्त में नहीं होता है। इन ऑस्पिशियस मुहूर्त मृत्यु काल दग्ध ताशन यमगंड, ये इनका भी कोई जब शुभ योग का भी नहीं और अशुभ योग का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। चौघड़िया का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है मुहूर्त में, और इसी प्रकार से होरा का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, ब्लैक है ये। लेकिन अगर करना है तो करा जा सकता है। टाइम पीरियड और डायरेक्शन, ये एक अलग है कि इसके अंदर हम ये देते हैं कि कितने कौन से टाइम में ये मुहूर्त किया जाता है। नॉर्मली जो एंगेजमेंट का मुहूर्त है सनराइज +3, मतलब कि सनराइज के बाद 3 घंटे बाद से मुहूर्त शुरू होता है नॉर्मली, और सनसेट तक रहता है। इसके बीच में शादी, ये एंगेजमेंट का मुहूर्त किया जाता है, और टाइम पीरियड 2 महीने। ये महीने के अंदर है, टाइम पीरियड कितने महीने में किया जाएगा। डायरेक्शंस जो है इसमें किसी डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो, और ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट किसी डायरेक्शन का कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये कुल मिला के सारे, और अबाउट अबाउट जो है ये हम यहाँ पे इसके बारे में वागदान के बारे में लिखा हुआ है। रोकना एंगेजमेंट सेरेमनी, वाणी का दान देना वागदान कहलाया गया जाता है, अर्थात अमुक कन्या को मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये इस तरह से ये इसके बारे में जो हम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बारे में कोई एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हम या 1 पेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि उस मुहूर्त के बारे में, जो कि अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा। तो ये था मुहूर्त का। इसमें अगर आप जो भी कोई चीज एडिट करना चाहते हैं एंगेजमेंट में, मान लीजिए आप नक्षत्र में, आप अब इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए आपने, जैसे मान लीजिए भरणी भरणी नक्षत्र जो है इसको आप ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन कर दीजिए, और इसके बाद अपडेट बटन दबा दीजिए। तो ये जो है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सेव दिस चेंजेस, यस। तो ये जो है ये यस करने से ये यहाँ पे चेंज हो गए, सेव हो गया। अब अगर हम इसको दोबारा पुनः देखेंगे, पुनः देखते हैं, मान लीजिए पहले हमने तिथि लोड कर लिया, इसके बाद हम दोबारा पुनः नक्षत्र लोड करते हैं तो आप देखेंगे भरणी जो है ग्रीन ही आ रहा है। हम दोबारा इसको ब्रेड कर देते हैं, रेड कर दिया और इसे अपडेट कर दिया तो अब ये दोबारा से अपडेट हो गया, ये रेड दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से हम इसी तरह से यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं। मान लो जो एंगेजमेंट का मुहूर्त था, एंगेजमेंट का हम नया मुहूर्त बनाना चाहते हैं, तो आर यू श्योर यू वांट टू ऐड न्यू आइटम, यस यस टू ऐड न्यू ग्रुप, और नो टू ऐड न्यू मुहूर्त। मुहूर्त हम ऐड करना चाहते हैं, ग्रुप नहीं, मैरिज। तो ग्रुप मैरिज ग्रुप में एक एंगेजमेंट 1 करके हम ऐड करना चाहते हैं, तो नो न्यू एंगेजमेंट 1 नाम नाम से हम एक मुहूर्त ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमने ओके कर दिया। ये यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे अब इसके अंदर तो एंगेजमेंट 1 यहाँ पर एक मुहूर्त आ गया, एक एंगेजमेंट 1। अगर एंगेजमेंट 1 में अब
सारा यही सेव है, जो एंगेजमेंट में था वो ही सेव हो गया, लेकिन अब इसमें हम एडिट कर सकते हैं, हम इसमें ये एडिट कर दिया ये सारे, या हमने ये हटा दिया, कोई भी नक्षत्र जो है ना कोई नेगेटिव नहीं होगा, और इसको हमने अपडेट कर दिया। तो अब जब भी मुहूर्त निकालेंगे तो अब उसमें कोई भी नक्षत्र, जब भरणी या कोई नक्षत्र होगा तो उसमें नेगेटिव नहीं होगा। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे कि इसको हम यहाँ पे ऑरेंज कर दें, ऑरेंज कर देंगे तो भी कोई नक्षत्र एडिट नहीं होगा, इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं। ऑरेंज करने के बाद इसको अपडेट कर दिया तो अब कोई नक्षत्र एड एड रिजेक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट होंगे, थोड़े नंबर कम मिलेंगे इनको, कृतिका नक्षत्र को, पुनर्वसु नक्षत्र को, पुष्य नक्षत्र को पॉइंट्स कम मिलेंगे, लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, इसमें ऐड बटन से ऐड कर सकते हैं। हम पूरा जो मैरिज ग्रुप है, ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, पूरा की पूरा हाउस है, लव है, रोमांस है, कुछ है, तो इसको हम पूरा ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं कि मैरिज के साथ में हम यहाँ पे ऐड कर दें। यू वॉन्ट टू ऐड ए न्यू आइटम, यस, और यस टू ऐड ए न्यू ग्रुप, यस कर देंगे तो एक नया ग्रुप ऐड हो जाएगा, मैरिज वन, जैसे मैरिज वन ग्रुप ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली एडिट। और अब इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मैरिज वन ग्रुप है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर भी ये एंगेजमेंट वन करके जो पहला हमने डाला हुआ था वो इसके अंदर सेव हो गया, और कोई और ने मुहूर्त डालने हैं तो वो डाल सकते हैं इसके अंदर, या इसको हटा सकते हैं, या अब इसको डिलीट करना है, जो हमने डाला है मैरिज मुहूर्त, इसको डिलीट करना है। तो आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट, यस, और ये यस टू डिलीट दिस ग्रुप, यस तो हमने डिलीट कर दिया, पूरे ग्रुप को डिलीट कर दिया, कैटेगरी डिलीटेड, वो गायब हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास मैरिज वन जो ग्रुप था वो नहीं है, मैरिज ग्रुप। अब इसके अंदर हम मैरिज के अंदर एंगेजमेंट, जैसे हमने ये ऐड किया था नया, ये भी इसको भी हम ऐड डिलीट करना चाहते हैं इस आइटम को भी। तो यू इफ योर यू वांट टू ऐड डिलीट दिस आइटम, यस, नो टू डिलीट दिस मूव, सब कैटेगरी डिलीटेड, यस। तो ये एंगेजमेंट वन जो है वो भी डिलीट हो गया, और एंगेजमेंट वहाँ की वहीं आ गया, जैसे था वैसे आ गया। तो ये था मूर्त मास्टर को एडिट करना, काफी डिटेल्ड ये है डेटाबेस, काफी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, नक्षत्र, तिथि, करण, योग, वार, सन इन साइन, साइन सन, मून इन साइन, महापक्ष, ऑस्पिशियस तिथि, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस स्थिति, इक्लिप्स, प्लेनेट कंबस्शन, स्पेशल चेक्स, विवाह स्पेशल, वास्तु स्पेशल, यात्रा स्पेशल, तारा बल, चंद्र बल, सूर्य बल, लग्न, मून इन हाउस, ऑस्पिशियस हाउस, इनऑस्पिशियस हाउस, चौघड़िया, होरा, तो ये सारे फैक्टर्स हमें सारे डिफाइन करने होते हैं। ये सारे फैक्टर्स डिफाइन होने के बाद एक मुहूर्त डिफाइन होता है, और इसमें जैसा होगा, जिस जैसा हमने डिफाइन किया होगा उस प्रकार से हमारे को गणना उसकी मिलने लगेगी। तो ये था मूड मास्टर का एडिटिंग फीचर, बहुत डिटेल्ड है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, और इसको बहुत उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम विदा लेते हैं, अगले दूसरे एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए फीचर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।